اللهم لك الحمد كما أنت أحمد. صل على محمد وفل بنا ما أنت أحمد، فإنك أنت أحد التقوى وأحد المغفرة. اللهم لك الحمد كما أنت أحمد، صل على محمد كما أنت أحمد وفل بنا ما أنت أحمد، فإنك أنت أحد التقوى وأحد المغفرة. اللهم لك الحمد كما أنت أحمد، صل على محمد كما أنت أحمد وفل بنا ما أنت أحمد، فإنك أنت أحد التقوى وأحد المغفرة. زندگی بڑی مختصر، ज्यादा मुश्किलात और थोड़ा राहतों का मजमू। इस लफ्ज को फिर सुने, जिंदगी बड़ी मुख्तसर, ज्यादा मुश्किलात और थोड़ी राहतों का मजमू। जैसे मुश्किलात ज्यादा और राहतें थोड़ी हैं। फूल की जिंदगी थोड़ी, कांटों की जिंदगी सदा होती। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, जिसमें मुश्किलात ज्यादा और राहतें बहुत थोड़ी हैं। बहुत थोड़ी राहतें हैं, इतनी थोड़ी हैं, इतनी थोड़ी हैं ये राहतें, आप गुमान नहीं कर सकते। हर शख्स जो है ना, अपनी राहतों को बढ़ाने की फिक्र में है। ये एक अजीब निजाम चल रहा है। अल्लाह पाक ने दुनिया को खोल दिया है हमारे सामने, दुनिया और दुनिया की लज्जतों को, दुनिया और दुनिया की चीजों को, दुनिया और दुनिया की राहतों को अल्लाह पाक ने खोल दिया है। बहुत वसी हो गई है दुनिया, ये चीजें अल्लाह ने खोल दी हैं। और हर शख्स के सामने दुनिया भी दे दी है और आखिरत भी दे दी है। अब ये इम्तहान है। इंसान अपनी खुशियों को बढ़ाना चाहता है, इंसान अपनी राहतों को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसने अपनी खुशियों को चंद चीजों में मुकय्यद कर लिए, कैद कर लिए है। दौलत में, हुस्न जमाल में, लज्जतों में, चाहतों में, मकान में, जमीन सनत और तिजारत में, वो समझ बैठे शायद खुशियां इसी चीज का नाम है। इससे बड़ी एक खुशी और है, इससे बड़ी एक खुशी और है, जिसकी अब तक हम, जिस राज को नहीं पहुंचे, जिस भेद को नहीं पहुंचे, आज वो भेद आपको अर्ज कर रहा हूं। खुशी का भेद है, खुशी का भेद है और राहत का भेद है। वो ये है कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती इताअत पे आ जाए, अल्लाह की मोहब्बत पे आ जाए, हजूर की फरमा बरदारी पे आ जाए। आप तसव्वुर में एक बात सोचें, ख्याल में एक बात ले आए। आप जितने हजरात बैठे हैं यहां, अगर बिलफर्ज अल्लाह पाक हर चीज पे कादिर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तशरीफ ले आए, अगर आप में से हर शख्स उनकी खुशी चाहेगा, उन्हें खुश करना चाहेगा या नाराज करना चाहेगा, ठीक, हर शख्स की यह ख्वाहिश होगी, हर शख्स की यह तमन्ना होगी कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे खुश हो जाए। कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि अगर मेरी खुशी चाहते हो तो मेरे हबीब को खुश करो, यानी मेरी रजा चाहते हो तो मेरे हबीब को राजी कर लो, समझ लो मुझे राजी कर लिया। अब हम में से हर शख्स ये चाहता है कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाए, राजी हो जाए, और हम में से हर शख्स ये चाहता है आपकी मोहब्बत भरी निगाहें मेरे जिस्म पे, आलूदा गुनाहों के वाले चेहरे पे, जिस्म पे पड़ जाए तो मेरी उम्मीद है कि मेरा जिस्म धुल जाएगा। आपकी निगाहों में नूर ही नूर है, पाकीजगी ही पाकीजगी है,
राहत ही राहत है, रहमत ही रहमत है, बरकत ही बरकत है। ऐसे अब यह तय हुआ कि हम में से हर शख्स सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी चाहता है और सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा चाहता है। यह तय हुआ। जब ये बात तय हो गई, अब हम ये सोचें मेरे आका सबसे ज्यादा किस चीज से खुश होते हैं और सरवरे कौनैन सबसे ज्यादा किस चीज पे राजी होते हैं। अब ये जरा बैठ के हम सोचें, अपने अंदर एक सवाल करें, अपने मन से पूछें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज पे ज्यादा खुश होते हैं। एक छोटा सा वाक्य आपका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी बच्चा आपकी खिदमत अतहर में आया करता था। बच्चा था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था, हजूर उससे मोहब्बत करते थे। कुछ दिन हुए वो ना आया। आका ने पूछा, वो बच्चा आता था हमारी बारगाह में, वो नहीं आया। अर्ज की, या रसूल सल्लम बीमार है और मौत हयात की कशमकश में है, सहाबा कराम की माईयत में, सहाबा कराम के साथ सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए तशरीफ ले गए, इयादत के लिए तशरीफ ले गए। इयादत के लिए तशरीफ ले गए तो उसको देखा कि उसके सांस टूट रहे हैं, जिंदगी के ताने बाने टूट रहे हैं। जिस शख्स के अंदर गम होता है ना, गम, और उसकी नजर लोगों की आखरत पे पड़ती है, आखरत पे पड़ती है। जब कोई बीमार होता है ना तो उसके सामने फिर माल नहीं होता, जान होती है। ऐसे माल नहीं होता, जान होती। जब कोई बीमार होता है फिर उसके सामने माल नहीं होता, क्या होती है? जान होती है। अब उस जान को बचाने के लिए जितना माल लग जाए, उस जान को बचाने के लिए जितना औकात लग जाए, जितने जज्बात लग जाए, जिसके यहां जो चीज कीमती होती है उसके लिए बड़ी बड़ी कीमती चीजें कुर्बान कर दी जाती है। जिम्मेदार के लिए जिम्मेदारा कीमती है। सख्त सर्दी के मौसम में, सख्त सर्दी के मौसम में पानी के अंदर खड़े होके पानी को एक जमीन के टुकड़े से काट के दूसरे को टुकड़े की तरफ लगाना और दूसरे से हटा के तीसरी तरफ लगाना, पानी में खड़े होके ठंडा पानी आसान है, सख्त गर्मी में गंदम का काटना आसान, एन पानी के अंदर चावल की पनीरी बोना आसान। चावल का मिजाज है उसको पानी के अंदर ही बोवो, ठीक? क्यों? उनके यहां कीमत किस चीज की है? बस एक चलने दे। उनके यहां कीमत किस चीज की है? क्या कह रहा हूं मैं आपसे, किस चीज की कीमत है? जिम्मेदारी की कीमत है ना। तो फिलहाल बंद कर दें, इसकी जरूरत नहीं है, इसको बंद कर दें, जरूरत है इसको, जिम्मेदारी की है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां कीमत थी ईमान की, आखरत की। तो आपने ये जाके नहीं पूछा कौन सी दवा दी, किस मालिश से इलाज कराया, क्या टोना टोटका किया। आपने जाते ही गौर फरमाया और देखते ही फरमाया कलमा पढ़े। क्यों? आखरत पेश नजर थी। मरने के बाद आने वाली हमेशा हमेशा के हादसे पेश नजर थे। एक बूढ़ी खातून आती है घर काम करने के लिए, उसका जवान साला बेटा 18 साल फौत हो गया। मुझे कहने लगी, उस दिन मिलने आई, कहने लगी कि बस्ती की सारी खवातीन इकट्ठी होके ना मेरे बेटे की कब्र पे गई,
तो मैंने कहा मैं नहीं जाती। मेरे मुर्शिद ने फरमाया है कि औरतें कब्र पे ना जाएं, सरवरे कौन है सल्लम ने मना फरमाया। बोले रात को ख्वाब में आया बेटा, जो उसने लफ्ज कहे ना तो कहने लगी अम्मा सारी आग मेरे वाल घाल दीती आली, सारी आग मेरी तरफ भेज दी थी। मैं हैरान हुई कि जगह है, मैं हैरान हुई ये क्या कहा इस बेटे ने। कहने लगी फिर ख्याल आया कि वो औरतें सारी की सारी जो है इकट्ठी होके बेटे की कब्र पे गई थी, बगैर तो वो उसकी रजा के लिए उसको खुश करने के लिए गई थी। मेरे आका ने फरमा दिया कि ये खुशी नहीं है, बस बात खत्म हो गई। क्या औरत कब्र पे ना जाए, औरत तो घर बैठ के अल्लाह को राजी करे उसके लिए मगफरत की दुआ करे, उसे पढ़ के बख्श। तो सरवरे कौनैन सल्लम के सामने ये आने वाले हालात खुले हुए थे, आपने मेराज पे आंखों से देखा था सारे के सारे मनाजर, सारे अहवाल। तो आपने क्या फरमाया उस बच्चे को कि जाते ही कलमा पढ़ ले। अब वो कभी माँ बाप के मुंह को देखे और कभी आका के चेहरे अनवर को देखे कश्मकश में कि मैं क्या करूं। आका सरवरे कौनैन सल्लम को अल्लाह जल्ला शान होने कबूलियत थी, माँ बाप ने कहा जो आका फरमा रहे हैं कर ले, और उसने कलमा पढ़ा और वो मर गया। अब आप हैरान होंगे, आका सरवरे कौनैन सल्लम को उसकी मौत पे अफसोस होना चाहिए था। मुहद्दिसीन ने लिखा है सरवरे कौनैन सल्लम के चेहरे अनवर पे खुशी के असरात थे, खुशी इस चीज की, मौत तो इसकी आनी थी, तय थी कि इसने इतना अरसा ही इस दुनिया में रहना था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आखरत बेहतर बना के मर गया, हमेशा की जहन्नम से बच गया। इस चीज की राहत, इस चीज की खुशी थी। अगर सरवरे कौनैन सल्लम को आप बहुत ज्यादा खुश करना चाहते हैं, आपकी खुशी चाहते हैं, जैसे मैंने अभी अर्ज किया, अगर यहाँ आका तशरीफ ले आए तो हर शख्स आपकी खुशी और राहत को चाहेगा, आपकी रजा को चाहेगा। अगर आप चाहते हैं तो फिर आप ये सोचें कि आपके जरिए से कितने लोग जहन्नम की आग से बच रहे हैं, आप कितने लोगों का जरिया बने हैं, कितने लोगों का फिक्र किया है। कसमपुरसी का दौर ऐसा आया कि माँ अपने बेटे और बाप अपनी औलाद के लिए बेफिक्र हो गया कि उसकी आखरत का कोई फिक्र ही नहीं है। अब तो कसमपुरसी का यह दौर आया, आखरत पेश नजर नहीं और मैं उसका फिक्र ही नहीं है, बाप को फिक्र ही नहीं है। आज ये खातून आई, यहां आंख में जख्म था, हाथ भी जख्मी थे, जिस्म भी जख्मी था कि बेटे ने मुझे मारा है, और मुझे बार बार उठ नहीं रही थी। मैंने कहा जी आप जाएं, दूसरों का नंबर है, मैंने तो 30 टोकन देखने होते हैं, थोड़े से औकात में आपको अर्ज कर दिया। कहने लगी उसकी जारी मेरे दिल को खा गई, और मेरी तबीयत खराब है, मैं आवाज मेरी नहीं निकल रही। कहने लगी मुझे मार से बचा ले, मुझे तशद्दुद से बचा ले, बस आपका दरवाजा है। पता नहीं वो क्या लफ्ज कह रही थी, दरवाजा तो अल्लाह का ही है। हमारे पेश नजर जिस चीज की कीमत होती है उस चीज पे माल लगता है, उस चीज पे जान लगती है। मैं रातों भर मशीनें चला चला के बच्चे के खर्चे पूरी करती हैं, और उसके दाखले के लिए वजीफे पूछने आती हैं और कहती हैं बड़े स्कूल में दाखला हो जाए, वहां बड़ी बड़ी सिफारिशें चलती हैं। कल एक खातून बच्चे को, छोटे से 4-5 साल का बच्चा था, उसको लेके आई, आखरत जिसके पेश नजर होती है मेरे दोस्तों, आखरत
पहले वो आखिरत को भी सामने रखता है। उसके पेश नजर ये होती है कि इसके मरने के बाद क्या बनेगा, या ये है मेरे मरने के बाद इसके एक एक अमल का सिला नेक या बद मेरी कब्र में पहुंचेगा, मेरा क्या बनेगा। मेरा क्या बनेगा उस शख्स के पेश नजर ये एक गम होता है, ये फिक्र होता है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक गम था, एक फिक्र था, आपके अंदर एक कुड़न थी, एक दर्द था। दुनिया के एतबार से हम एक पल में दोस्ती बना लेते हैं, दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेते हैं, उसका पता ले लेते हैं, और वो दोस्ती दुनिया की होती है। मुझे एक बंदा कहने लगा कि मैंने कहा कौन है, कहने लगा वही अराई हूं जो एक पल में कहीं ना कहीं से दोस्ती और ताल्लुक बना निकाल के काम निकलवा लेते हैं। ऐसी मजाक में कहने लगा। अब इलेक्शन में कैसे ताल्लुक बनाए, हार जीत तो मामला है, ये दुनिया की हार जीत तो असल है ही नहीं, दुनिया की हार जीत तो वैसे ही धोखा है। हम तो सारे चाहें कि सारे इस धोखे से निकल जाएं, हमने हमारी तो सबके लिए दुआ है कि हारने वाले भी धोखे में और जीतने वाले भी धोखे में, कि उन्होंने इसको असल हार जीत समझ बैठे, और वो जो माल था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और इस उम्मत की अमानत माल था वो कहां लगा बैठे। हमें तो इस पे अफसोस करना चाहिए कि माल कोई अपना है, ये तो अल्लाह ने दिया है, ये तो ऐसे एक एक पैसे के खर्च का हिसाब होगा क्यामत के दिन, क्या हिसाब देगा ये, तो मैंने कहां लगाया था, मैंने करोड़ों और खरबों कहां लगा दिए थे। मेरे दोस्तों, जिसके पेशे नजर आहत होती है, मरने के बाद की अब्दुल्लाबाद की जिंदगी होती है, उसकी सोचें और होती हैं, उसके सोचने का मियार, उसके सोचने का मदार, उसके सोचने की निगाह, उसका पैमाना और होता है। वो भी कारोबार करता है, वो भी सनत करता है, ये नहीं है कि बिस्तर बांध के घर बैठ जाता है या जंगलों में चला जाता है। वो भी सनत करता है, वो भी तिजारत करता है, वो भी काम करता है, लेकिन उसका मकसद कुछ और होता है, वो एक और मकसद को लेके चलता है, एक और मकसद को लेके चलता है। एक साहब मुझे कहने लगे बैरून मुल्क जाना है, मैंने इतना माल चाहिए, अगर इसके लिए मुझे कोई कत्ल करना पड़ा कर दूंगा, ये अल्फाज हैं उसके, मुझे याद है, अगर मुझे कोई कत्ल करना पड़ा कर लूंगा, मुझे इतना माल चाहिए और इतना वो बैंक का दिखा स्टेटमेंट पता नहीं क्या दिखानी होती है, उसके लिए मुझे इतनी स्टेटमेंट चाहिए, बस खत्म। देखें ये जगह खाली पड़ी है, आगे से मुराद आप भी मौजूद, आदमी की बात है, जब मुझे खिदमत सौंपी और मदीना मनवरा तशरीफ ले गए और जन्नतुल बकी में आराम किया जाके फौत हुए, तो चार नसीहतें, कुछ नसीहतें फरमाई, उनमें चार चीजें थी, तो आज मैं शिद्दत से महसूस कर रहा हूं उनको। आज जो माई से मैंने बात सुनी ना, बूढ़ी माई बिचारी, कहने में टीचर हूं, तो मुझे तशद्दुद से बचा ले, वो बात सुनी मैंने, तो फिर वो चार चीजें घूमने लगी जो अक्सर घूमती रहती हैं दिलो दिमाग के अंदर, और चार चीजें फरमाई, फरमाया नेकी को फैलाओ, सुन्नतों का इस्तेमाल करो, और जिक्र का इस्तेमाल करो, और दुआ का इस्तेमाल करो, ये चार चीजें फरमाया करते थे। नेकी को फैलाना, सुन्नतों का इस्तेमाल करना, जिक्र का इस्तेमाल करना, और दुआ का इस्तेमाल करना। उनकी आखिरी बातें, ये आखिरी बातें लिखी नहीं जाया करती, ये आखिरी बातें नक्श होती हैं, ये लिखी नहीं जाया करती, ये बहुत अच्छी तरह नक्श हो जाया करते हैं। उन आखिरी बातों में जो आखिरी बातें थी, उनमें एक बात जो अब की है, ये चार बातें, वो एक ये भी है, ये चार काम। आज हर शख्स अपने तन को लेके चल रहा, मन को लेके चल रहा,
नहीं मेरे दोस्त, सरवरे कौनैन सल्लम की खत्म नबूवत के सदके अपने मिजाजों में, अपने जीवों में, अपने मन में ये बात लेके आए, मैं अकेला नहीं हूं, मैं तो पूरे आलम के लिए हूं। सारी दुनिया के जितने भी गैर मुस्लिम हैं उन सब के लिए खैर खाही का जज्बा, उन सब के लिए दर्द का जज्बा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसको समझो अल्लाह वालो, हमारे अंदर जो है एक दर्द उठे, हमारे अंदर एक गम उठे, हमारे अंदर एक सोज उठे, ये गैर मुस्लिम जहन्नम की आग में कैसे जलेंगे? हमें ये मौजूदा आग जो है ना, मेरी बात पे गौर फरमाए, ये जो मौजूदा आग है हमारी, इसकी जलन कितनी होती है कि सिगरेट के ऊपर जो छोटा सा शोला होता है उससे जिल्द कैसी झुलस जाती है, और क्या दर्द और क्या तकलीफ होती है, आप गुमान कर सकते हैं? मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं कि वल्लाह वालो, ये मौजूदा आग जो आग है, फरमाया 70 दफा रोजाना जहन्नम की आग से पना मांगती है, 70 दफा रोजाना जहन्नम की आग से पना मांगती है। हमारे अंदर तो एक गम हो, एक दर्द हो, पूरी उम्मत का, मुसलमानों का, कि नेकी को फैलाना ये भी अल्लाह तेरी मोहब्बत का दावेदार बन जाए, या ये तेरी मोहब्बत का गुलाम बन जाए, तेरे हबीब का गुलाम बन जाए, मेरी औलाद है, मेरा गैर है, मेरा अपना है, हर शख्स या अल्लाह तेरा महबूब बन जाए, तेरे महबूब का गुलाम बन जाए, ये गम हो एक अंदर हर शख्स के बारे में। हमारी तो मुलाकात की इब्तदाइया में ये गम हो कि मैं इसको ये बात सुनाऊंगा और इसको इस बात को इस पे लाऊंगा कि ये सरवरे कौनैन सल्लम की चौकट का गुलाम बन जाए, मैं तो इसको इस बात पे लाऊंगा, हमारे अंदर ये बात आ जाए, हमारे अंदर ये बात आ जाए। बहुत ही ज्यादा मरीज पड़ा है, उसकी मर्ज पे तरस आ गया, उसकी मर्ज पे रहम आ गया, बहुत ही गरीब है और फकीर है, उसकी गुर्बत पे तरस और गम हुआ, लेकिन याद रखना ये गुर्बत में मर गए तो फरमाया गुर्बत में अगर मरा ईमान अमाल की जिंदगी गुजारते हुए, इस शख्स से अल्लाह ऐसे माजरत करेंगे जैसे बंदा बंदे से माजरत करता है, मेरे बंदे तुझे पर नेमतें मैंने थोड़ी इसलिए नहीं की थी कि मुझे तुझसे कोई गुस्सा था या दुश्मनी थी, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, बल्कि इसलिए कि आज के दिन की नेमतें मैंने तेरे लिए संभाल के रखी हुई हैं, आज वो दूंगा तू सोच नहीं सकता, और इस दुनिया का गरीब मिस्कीन फकीर, इस दुनिया के जिसके रहे दिल की दिल में हसरतें जो कजा ने आके मिटा दिया, ये जो हसरतों को लेके जाने वाला है इससे तो रब माजरत कर रहा है। लेकिन याद रखना वो शख्स जो इस दुनिया के अंदर रब को नाराज करके गया उससे क्या रब माजरत करेगा? खुद इसकी माजरत कबूल नहीं होगी, खुद इसकी माजरत कबूल नहीं होगी कि तुझे मैंने 60 साल जिंदगी, 50 साल जिंदगी, 40 साल जिंदगी, 70 80 साल जिंदगी दी, उसमें पल पल तू मुझसे माजरत कर सकता था, तूने मुझसे माजरत नहीं की, तूने मुझसे माफी नहीं मांगी, तुम दंदनाता रहा, तू बेफिक्र और बेगम रहा, वो फिर तेरे दिन थे, आज फिर हमारे दिन है। उस वक्त तू कहता है मैं ही मैं हूं, आज रब कहता है मैं ही मैं हूं। ऐन मलूक बादशाह कहाँ है, सलातीन सुल्तान कहाँ है, जब्बारीन जालिम कहाँ है, लमिनल मुल्क, बस आज का दिन अल्लाह ही अल्लाह है, उसी का मुल्क, उसी की हुकूमत। तो नेकी को फैलाना, दूसरों के लिए गमजदा होना, अगर माँ ईमान अमाल की जिंदगी नहीं गुजार रही, आखरत के लिए फिक्रमंद नहीं है, उसके लिए दिल में गम खाए जाए, जैसे माँ को तकलीफ हो गई, कोई कैंसर, कोई बीमारी, कोई हैरत अंगेज, कोई सख्त तकलीफ हो गई, उसके लिए एक गम है, एक परेशानी है। अगर कैंसर में मर गई, उसकी एक एक आह पे अल्लाह अता फरमाएगा, एक एक आह पे
एक एक आह पे मेरा रब नेकियां देता है, लेकिन याद रखना अगर गुनाहों के कैंसर से मर गया उसका क्या बने। नेकी को फैलाना कि मेरे मन से और मेरी मेरी जान से, या अल्लाह कितने लोग ऐसे हों जो जहन्नम की आग से बचे, अल्लाह तो मुझे जरिया बना ले, या अल्लाह तो जरिए के तौर मुझे कबूल फरमा ले, या अल्लाह मेरा तो एक जिस्म है, ऐसे कई जिस्म हो जाएं और तेरे हबीब के उम्मती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती जहन्नम की आग से बच के जन्नत में जाने वाले बन जाएं, या अल्लाह तेरे हबीब को कितनी खुशी होगी। जिसके अंदर ये गम होगा अल्लाह पाक को कितना प्यारा होगा। आपने बसों में सफर किया होगा, कोचों वगैरह में, कि बाज़ औक़ात ना कोचें रास्तों में होटलों वगैरह में रुकती हैं। एक दफा ऐसा हुआ कि मैं कोच में सफर कर रहा था तो वो ड्राइवर कुछ पता नहीं किसी तरह वाकिफ था, वो मोहब्बत करने लगा तो कहने लगे जी आप मेरे साथ खाना खाएं। मैंने कहा अब ये खाना आपके लिए होता है, मेरे लिए नहीं होता। ये जो ड्राइवरों को खाना मिलता है ना VIP, आपके लिए होता है, मेरे लिए नहीं होता। कहने लगे मैं उनसे इजाजत ले लूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब खाना खाया मैं, खाना क्या खाना था, खाया भी सही। मैं उनकी अदाओं पे गौर करता रहा, थोड़ी सी रोटी हल्की सी भी ठंडी हुई उसने बड़ी दो मन की गाली दी, बल्कि ढाई मन की हो गई। और जो रोटी सप्लाई करने वाला था बैरा, उसने माजरत की उससे बड़ी और फौरन रोटी ले आया। चाय की पत्ती में उसमें पत्ती कम थी, पकी हुई थोड़ी थी, सालन के लिए गरीबी थोड़ी थी, वो थोड़ी तो क्यों ले आया, उसके कोई गुनाहों की शामत आई हुई थी। क्यों? उसका एजाज था कि इसलिए कि बस लाया है और बस से उनकी कमाई का कोई सिलसिला रखा अल्लाह ने। मैं सोचता रहा जो एक बस के 40, 50, 60 बंदे लाए उसका तो ये एजाज हो, जो क्यामत के दिन अल्लाह के बंदे अल्लाह के पास लेके जाए, या अल्लाह ये मेरी कमाई है। आप सोचो तो सही है, वो गुमान तो करो अल्लाह की बारगाह में उस शख्स की क्या कमाई होगी और शख्स का क्या एजाज होगा। नहीं होगा? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से अर्ज किया, हजरत दाऊद अल्लाह के प्यारों में से थे और जब जबूर पढ़ते थे ना पहाड़ पिघल जाते थे, समंदर रुक जाते थे, परिंदे जल जाते थे, हवाएं रुक जाती थी, उनके कलाम में ऐसी ताकत और तासीर थी। अल्लाह क्यामत के दिन जन्नत में सुनवाएगा उनका कलाम और फिर मेरे आका भी कुरान सुनाएंगे और फिर मेरा रब खुद सूरत रहमान सुनाएगा। अल्लाह पाक खुद सुनाएंगे। तो दाऊद अलैहि सलाम ने अल्लाह पाक से अर्ज किया कि इलाही आपसे और मोहब्बत में कुर्ब पाना चाहता हूँ, आपका और महबूब बनना चाहता हूँ। ये मोहब्बत का जो इश्क होता है, जो मोहब्बत की चाशनी होती है, ये मोहब्बत का जाम है, एक पिए बगैर चैन नहीं आता, ये जाम भर भर के पिलाओ फिर और जाम की तलब रहती है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि दाऊद मफहूम है कि मेरे बंदों को मेरे करीब कर दे, मेरा महबूब बना ले, आप मेरे महबूब बन जाए। बस आप मेरे महबूब बन जाए। मस्जिदों में ऐलान हुआ कि फलां का बच्चा जो है वो इस रंग का चोला पहना हुआ है, इस रंग की कमीज पहनी हुई है, इस रंग का जूता है, अपना नाम ये बताता है, वो गुम हो गया है, ऐलान हो रहा। और उसकी मां की कैफियत क्या होगी, सोचने की है कोई? जिस मां का बच्चा गुम हो गया उस मां की कोई कैफियत होगी है? कुछ उसका दर्द, उसका सोज, उसकी तड़प क्या होगी, वो तो मां ही बताएगी।
जज्बात के तर्जमे नहीं हुआ करते, जज्बात के अल्फाज नहीं होते कभी, जज्बात की लफाज, जज्बात को किसी माने में नहीं ढाला जा सकता। और ये दर्द का जज्बा भी अजीब होता है, और अल्लाह ने माँ के अंदर जो दर्द रख दिया है बस वो माँ ही माँ है। बहुत देर के बाद एक साहब आए, उन्होंने वो बच्चा उठाया हुआ, उसके हाथ में टॉफी है, रो रो के बच्चे ने आंखें लाल की हुई, वो कहते हैं ये आपका बच्चा है। पता नहीं किस बेताबी से माँ ने बच्चे को झपट के पकड़ा और सीने से लगाया, लेकिन चंद ही लम्हों के बाद बच्चे को भूल गई उस मोहसिन के लिए कि इसको हम बिठाएं कहां, इसका शुक्रिया कैसे अदा करें। है बात कैसे, इसका शुक्रिया कैसे अदा करें। ये बेचारा पता नहीं कहां कहां से मारा मारा बच्चे को ढूंढ के ले आया, बच्चा पता नहीं किन के हाथों में चला जाता। आप ठंडे दिल से बैठ के तवज्जो से मेरी बात सुन रहे हैं, जहां कानों से मेरी बात सुन रहे हैं वहां आंखों से भी सुन रहे हैं, आंखें भी बड़ा कुछ सुनती हैं, आंखें भी सुनती हैं, ये भी तजर्बे हुए हैं। टक टक दी दम दम नकशी दम, बस देख रहा हूं ऐसे कि अब दम घुटा जा रहा है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है। क्यों, देखने से भी कुछ हासिल होता है। आप सोचें इस बात को, एक बच्चे को ढूंढ के ले आया, मां के दिल में बच्चे की मोहब्बत, और मां के हां उसका क्या एहतराम, और बच्चे के बाप के हां उसकी क्या रिस्पेक्ट और उसकी क्या इज्जत होगी, और उसको कहां बिठाया जाएगा, उसका क्या एजाज किया जाएगा। जो 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला करीम है, हैं कि मेरे रूठे बंदों को मुझसे मिला ले, जो उसके रूठे बंदों को पकड़ पकड़ के, बुला बुला के, मिन्नत करके, खुशामत करके, हिला करके उस करीम से मिलाएगा। अब सोचो तो सही, उस करीम के यहां उस शख्स का क्या एजाज होगा। एक बच्चे को लाने वाला, उसका तो एजाज इतना कि आप सोच नहीं सकते। और उम्मत के कितने अफराद ऐसे हैं, लाखों हजारों का जरिया बनने वाला, अल्लाह जल्ला शानों की बारगाह में उसका क्या एजाज इकराम होगा, आप सोचो तो सही। इसलिए फरमाया कयामत के दिन बाज अंबिया कराम ऐसे होंगे, कयामत के दिन बाज अंबिया कराम ऐसे होंगे जिनका कोई उम्मती एक भी नहीं होगा, और बाद ऐसे होंगे कि उनका एक उम्मती होगा, और बाजों के पास थोड़े और बाजों के पास ज्यादा, बाद ऐसे होंगे जिनके पीछे लाखों करोड़ों होंगे, और लोग कहेंगे ये कौन कोई नबी है। फरमाया नहीं, सरवरे कौन है सल्लम के वो उम्मती हैं जिनके अंदर उम्मत का गम था, उम्मत का दर्द था, जिनको रातों में चैन नहीं आता था, जिनको जिनकी चीजों में लज्जत नहीं मिलती थी, उनके अंदर एक गम था, ये वो है जो जरिया बने थे। आज ये भी और जो जिनका जरिया बने वो भी, ये सब इकट्ठे जन्नत में जा रहे हैं। अब अगली बात उससे भी अजीब सुने, उससे भी अजीब सुने, आप हैरान हो जाएंगे। बाजू का बाज अल्लाह वालों से ये बात सुनी, हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, उनसे किसी ने पूछा हजरत आप जो भी आता है आप बैत कर लेते हैं, तो हजीब जवाब दिया, और मैं भाई पता नहीं इनमें कौन सा अहल हो और ऐसा अहल हो जो मुझे अल्लाह के हां जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाए। क्यों, बाज़ औकात बाज़ मैयतें ऐसी होती हैं जिनका जनाजा पढ़ने की वजह से सारे जनाजे पढ़ने वाले की माफी और मफरत हो जाती है, और बाज़ जनाजा पढ़ने वालों में कोई ऐसा होता है कि मैयत की मफरत हो जाती है। आपने किसी को तैयार किया, किसी पे मेहनत की, किसी को अल्लाह जल्ला शानू की मोहब्बत के लिए उसको अल्लाह के नाम की मोहब्बत पे लगा दिया, कुछ बातें भी सुन ली, कुछ कड़वी कसैली भी बर्दाश्त किया, क्या पता उनमें से कोई ऐसा हो कि जो है आपसे आगे निकल जाए। और ऐसा होता है, मुझे याद है जुमे का दिन था, असर की नमाज के बाद का वक्त था,
एक गली में हम बेकरी में गए, मेरे साथी एक रफीक साहब वो साथ थे, एक खास किस्म की जो है वो पगड़ी बांधे हुए और खास किस्म का कश लगा रहा था वो बंदा, बड़े स्टाइल से उसके कश लगाने का वो अंदाज, और उससे जाके कुछ अल्लाह की मोहब्बत की बात की, और करते कराते मैं उस दिन उसकी दुआ देख रहा था, मुझे शर्म आई कि एक पल तुझे ऐसी दुआ कबूल, तुझे ऐसी दुआ जो है वो नसीब नहीं हुई जो इसके अंदर मांगने में अल्लाह से गिड़गिड़ाने की कैफियत है। और ये जो अल्लाह से मनवा रहा है ना, फिर उसकी नमाज, उसके सजदे, उसकी दुआ, उसका मांगना, उसका दर्द, उसका सोज, उसका साज, उसके कैफ, उसकी कैफियत, वो है। मैं वही है क्या? बड़े बड़े खास अंदाज से कश लगा रहा था, बड़ी खास अंदाज की इसने जो है वो पगड़ी बांधी हुई थी, बड़े वो जारहाना अंदाज की पगड़ी नहीं थी, वो जारहाना अंदाज की कुछ चीज थी, ये वही है। हाय कोई मेरे दोस्तों, कोई शख्स ऐसा आ जाए जो मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। मैंने खत खोला अभी इसी हफ्ते, लिखा हुआ था मेरा दरूद पाक अब एक अरब हो गया है, एक अरब, और सूरत इखलास जो है वो पता नहीं 86 लाख हो गई है। और मैंने उन पर फोन किया, उनसे फोन पे बात की, तो कहने लगे जी आप बहुत ज्यादा तादाद और बढ़ गई है। मैंने उनसे अर्ज किया ये सारा कुछ मुझे हदिया कर दे, कहने लगे जी आपको हदिया कर दे। हदिया भी होता है अमल का, मैं आपको असर नहीं करता, माल का हदिया होता है, अमल का भी होता है। अरे ये इसाले सवाब जो करते हैं हदिया ही तो है और क्या है, मैयत को जो इसाले सवाब करते हैं अमाल का हदिया तो है और क्या है। हमारी वजह से कोई अल्लाह का ताल्लुक वाला बन जाए जो हमसे आगे निकल जाए, और कल कयामत के दिन अगर मैं अपनी खताओं की वजह से पकड़ा हुआ हूं, अल्लाह से अर्ज कर दे इलाही यही शख्स था जिसने मुझे तेरी मोहब्बत पे लगाया था, तेरे हबीब सरवरे कौनैन सल्लम की चौकट को दिखाया था, तेरे हबीब का इश्क मुझे सुनवाया था और उस पे लगा, अल्लाह यही तो था जिसकी वजह से आज मैं जन्नत में जा रहा हूं। और हदीस के मुताबिक आका सरवरे कौनैन सल्लम ने फरमाया मफहूम है कि उस दिन जन्नती की सिफारिश कबूल होगी। हाजी बाज रिवायात में आता है मफहूम है 400 बंदों की सिफारिश करेगा, शहीद सिफारिश करेगा, मुख्तलिफ अहदीस में सिफारिश करने वाले हैं और सिफारिश करेंगे और अल्लाह जल्ला शानू के हाँ उनकी सिफारिश कबूल होगी। एक अंदर गम लग जाए, आज तक मैंने ताल्लुक दुनिया के लिए बनाया और दुनिया के लिए इस्तेफादा किया और दुनिया के लिए फायदा उठाया, आज के बाद मैं अपना रुख बदलूंगा, अपने अंदाज को बदलूंगा। ये जिन साहब का मैं अर्ज कर रहा था दुरूद पाक का, मुझसे एक दफा कहने लगे शुरू शुरू में, मैंने कहा दुरूद पाक आप 1.25 लाख कर ले, कहने लगे मैं 1.25 लाख कैसे करूंगा, आज तक तो 1/10 नहीं पड़ी। तो मैंने अर्ज किया, मैंने कहा अच्छा ये है भी शेख, मैंने कहा शेख बड़ा नफे घाटे वाला सौदा तो नहीं करता शेख। तो मैंने कहा शेख साहब आप अल्लाह पाक करवाते हैं बंदा नहीं कर सकता, आप तय तो कर लो। मैंने लगी मैंने तो 1 तस्बीह नहीं पढ़ी, सुबह शाम कोई भी पढ़ लेता हूँ। तो मैंने कहा ये हमने ये सुना है, मैंने अपने बड़ों से सुनी है अपने हजरत से कि ये तवज्जोहात हो, जब अल्लाह की तरफ से करम नवाजी हो ये काम हो जाते हैं, अल्लाह सीना खोल देता है, रब शरह ली सदरी, अल्लाह खोल देता है, और उकददम मिन लिसानी, फिर जुबान की अल्लाह गिरह खोल देता है, फिर जुबान किस पे चलाता है ना, चली है नहीं चली जुबान, चली है, चली है ना। तो कहने लगे ठीक है, फिर लाख कर लिया, कहने लगे लाख हो गया, मैं हैरान हूं हो कैसे गया, मैंने कहा देखना तो सही अल्लाह और कर देगा। फिर जब करोड़ हो गया ना,
कहने लगे अजीब बात है, अब अरब हो गया। हमारे हजरत फरमाते थे दुनिया के नफों के बैठ के तस्करे करते हैं, दुनिया के माल को गिनवाते हैं, मैं हजारपति हो गया, मैं लखपति हो गया, मैं करोड़पति हो गया। जिस दौर में लाख बड़ी बात थी ना, एक बाबा जी थे उनको कहते थे नाना लाखापति। मैंने उनको देखा, मैंने उनके पोते से पूछा भाई ये आपके जो नाना हैं इनको नाना लाखापति क्यों कहते हैं? कह रहे हैं इनके पास उस दौर में लाखों थे, जब 100 रुपए जिसके पास होता था उसके पास ऐसा था कि साल का सारा खर्चा है, 6 रुपए तोले सोना होता था। उस दौर में नाने के पास लाखों रुपए होते थे, इसलिए नाना लाखापति। दुनिया के माल के तस्करे सुने, दुनिया का माल और उसका शौक पैदा हुआ, अमाल के तस्करे करें, अमाल का शौक पैदा होगा। वो तो जिसके तस्करे बंदा सुनता है उसी का शौक होता है। हमारी वजह से कोई अल्लाह जल्ल शानहु की मोहब्बत में, कोई नमाज वाला, कोई दरूद वाला, कोई तस्बीह वाला, हर बंदे में मुख्तलिफ सिफात होती हैं। बाज़ के अंदर सदकात का मिजाज होता है, बाज़ के अंदर खैरात का, बाज़ के अंदर तकवे का, बाज़ के अंदर जिक्र का, बाज़ के अंदर कुरान का, तिलावत का, तस्बीहात। अल्लाह ने हर बंदे को सिफात दी है। हर हर फूल की अपनी खुशबू होती है, हर फूल की अपनी खुशबू होती है, हर बंदे के अंदर एक सिफत गालिब होती है, बाज़ के अंदर सिफात होती है। बंदा कहने लगा फोन करके, कहने लगा मैंने वुजू बावजू रहने का एहतमाम किया, हमारी आमदनी में फला फला जगह जो किराए आते थे इतना नफा हो गया, इतने हजारों 30,000 एक तरफ बड़ा, फला फला इतना बड़ा, मैं बावजू रहता था। मेरी वजह से हर शख्स ये सोचे मेरी जात किसी की आखरत को बनाने का जरिया बन जाए और किसी की कब्र की सहूलत का जरिया बन जाए और किसी की दुनिया के दुखों को टलवाने का जरिया बन जाए और किसी के गम से उसको हटवाने का और मौत को आसान कराने का जरिया बन जाए, क्या पता कौन मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। यह गम हो, जिससे भी मोहब्बत करें, जिससे भी ताल्लुक हो, जहां भी बैठे अपनी बात चला दें हल्की फुल्की सी, मौका देख के, मिजाज देख के, तबीयत देख के। ये बस में आया ना बंदा, हर बंदा बस में मसरूफ बैठा होता है, मसरूफ बैठा होता है, कोई आगे कोई पीछे, कोई इधर कोई उधर, कोई सो रहा होता है, सोना भी मसरूफ कहते हैं, कोई बातें कर रहा होता है, कोई किताब अखबार। लेकिन ये बाम बेचने वाला आया तो इसने आते ही सबकी तवज्जो अपनी तरफ मतलूब और मुतवज्जे कर लिए, सबको अपनी तरफ, सुरमा बेचने वाला, बाम बेचने वाला, हाजमे की फक्की बेचने वाला, इसने हर बंदे को अपनी तरफ मुतवज्जे। मैं बाबू को चुप करके देख रहा हूं, तुम बड़े सफर किए हैं, मैं देख रहा होता था। मैंने कहा भाई ये देखो ये बंदा अपना सौदा बेच के जाएगा। उसके बाद काफी वाला आया, कह रहे बाबा जी हैं, बुजुर्ग हैं आपके, बड़े सारी रात खांसते हैं, खांसते खांसते और फिर जिक्र भी करते हैं, कुरान ही पढ़ते हैं, बाबा जी के लिए टॉफी ले जाओ, ये गले की खराश को दूर करेगी। ये बात तो ठीक है। एक भाई बाबा जी थे बूढ़ा, हमारे भाई से ना वो दवाई ले जाते थे सुरमे का, वो कहानी सुनाता था ट्रेन में कि 1941 में मैं फौज में था, कहां पता नहीं जर्मनी के किस महाज पे सारे अंधे हो गए, बम फटा उसमें सारे अंधे हो गए और ये एक सुरमा मेरे हाथ आया, मैंने जिस जिस को ये सुरमा दिया वो सुरमा वो सब ठीक हो गए। अब बाबा इतना बूढ़ा था उसकी बात ठीक ही होगी, वो उसका सुरमा बिकता था। हमारे भाई से ना बहुत से सुरमे का सामान ले जाता था कि नुस्खे का पता ना चले, कभी एक जोस ले जाता कभी एक दो जोस, वो भी बड़ा कारीगर था, उसने सारा नुस्खे का पता कर लिया। और बाबा सुरमा बेचता था। मैं एक दफा ट्रेन में बैठा, बाबा जी ने सुरमा बेच लिया तो मैंने तारफ करवाया, कह रहे अच्छा अच्छा आप हैं, आपके भाई से मैं ये सामान लेके आता हूं सारा। मैं सोचने लगा, मुझे अपनी जात पे अफसोस हुआ,
नहीं, बाबे ने अपना सौदा बेचा, मेरे पास खरा सौदा था, मैंने तो बेचा ही। बाबे का सौदा खरा या खोटा वो बाबा जाने, उसका काम जाने, मेरा सौदा खरा था। क्या था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में सारी कायनात की कामयाबियों का मदार है, इज्जतें हैं, वकार है और शान और शौकत है। तेरी मेरी मुसीबतें जो टलेंगी, आका सरवरे कौन असलम की कदमों में गुलामी से टलेगी, और तेरी मेरी दुनिया की जो इज्जतें और वकार है और दुनिया की कामयाबियां हैं और दुनिया की राहतें हैं और परेशानियों का हल है और मुश्किलात का हल है, वो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने में है ना। और मैंने अपना सौदा नहीं बेचा, वो बेच के गया। अच्छा, फिर थोड़ी देर हुई, एक पैकेट और एक कार्ड। बाबा कहने लगा मेरी उम्र 60 साल होगी, मैं ये कार्ड देख रहा हूं। कार्ड रख के चले जाते हैं, उसमें होता है कि मैं मेरी छपे हुए कार्ड होते हैं और एक टॉफी का पैकेट। मैं सोचने लगा हर बंदा अपना सौदा बेच रहा, कि तारिक ने तो अपना सौदा बेचा ही नहीं, कि मेरी जात की वजह से कोई अल्लाह का महबूब बन जाए, उसके हबीब का महबूब बन जाए और मेरे चंद बोल लगे, सुनो सुनो, मेरी दो तोले की जुबान हिले, उसके 2.5 मन का 2 मन का जिस्म जहन्नम की आग से बच जाए, मुझे बताओ तो सही सौदा घाटे का या नफे का है, बताओ तो सही। और फिर सबसे बड़ा नफा ये है, सुन लो, उसको नफा हो ना हो तुझे नफा जरूर होगा, क्यों न्यूटन का तीसरा कानून है कि अमल का रद्द अमल, अमर और रद्द अमल बराबर सिफत में मुखालिफ होता है। हमने पढ़ा था मैट्रिक में, फिजिक्स में, गालिबन पता नहीं केमिस्ट्री में, प्रदेश में कहां होता था, कि तू जिससे, जिस ताकत से, जिस तासीर से, जिस यकीन से, जिस तवज्जो से बात करेगा अल्लाह जल्ल शानहु की और उसके हबीब सरवरे कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस यकीन से बात तेरे अंदर उतरेगी। और फिर मिसाल भी देते थे हमें, फिजिक्स में था ये, मिसाल भी देते थे हमारे एक प्रोफेसर थे, हमारे उस्ताद थे, वो मिसाल देते हैं कि गेंद को जिस जोर से दीवार पे मारेंगे उसी जोर से वापस पलटेगी। अल्लाह जल्ल शानहु की बात को और उसके हबीब सरवरे कौनैन सल्लम की शान को और अजमत को जिस जोर से बयान करेंगे, जिस यकीन से बयान करेंगे ना, उस यकीन से तेरे अंदर आएगी। वो कैसे, ये जो गंदम बोते हैं ना, गंदम बोते जिमीदार, जब गंदम बोता है पहले इसके घर आती है मंडी में और मिल में, बाद में जाती है, हैं? और जब ये गंदम बोना छोड़ देता है पहले इसके घर से गंदम खत्म होती है, मंडी बाजार में बाद में खत्म होती है, हैं? जब तू अल्लाह जल्ल शानहू की मोहब्बत के लिए लोगों को तैयार करेगा और अल्लाह का महबूब बनाएगा और कहेगा देख मैं इस मंजिल पे चला हूं, टूटा फूटा चल रहा हूं, तू भी इस मंजिल पे आ जा और तू भी इस मोहब्बत पे आ जा और तू भी इस ताल्लुक पे आ जा, नफे का सौदा है, तेरी जिंदगी की मुश्किलें हल होंगी, तेरी परेशानियां दूर होंगी, तेरे गम धुलेंगे, तेरे दुख दर्द का बदावा होगा, तुझे अल्लाह का ताल्लुक नसीब होगा, तो तुझे आका का कुर्ब नसीब होगा। और एक वक्त आता है, एक वक्त आता है, आज वो शख्स जिसके लिए गुनाह काबिल मोहब्बत चीज है, उसके लिए गुनाह इतना काबिल नफरत चीज होती है कि तस्वर गुनाह से जिसमें टीसें उठना शुरू हो जाती है। तस्वर गुनाह से क्या होता है, जिसमें टीसें उठना शुरू हो जाती हैं। आप ऐसे शख्सों का जरिया क्यों नहीं बन जाते, आप ऐसे लोगों का जरिया क्यों नहीं बन जाते। उम्मत का हर फर्द हीरा है, वह कोई नाली में पड़ा है, वह थोड़ा सा हाथ डाल के ना उसको उठा ले, एक गिलास पानी डाल, वो धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। हीरा फिर हीरा होता है, चाहे नाली में पड़ा हो, हीरा तो हीरा है। जिसके मन में, जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसके अंदर कलमा है वो हीरा है हीरा। वो हीरा है, उस पर थोड़ी सी अल्लाह की मोहब्बत की नजर पड़ जाए और तुझे अल्लाह ने जरिया बनाया है, तू थोड़ी सी कोशिश कर ले उस हीरे को
जन्नत में ले जाने का तो जरिया बन जाएगा। अरे तुझे दुआएं देंगे, तेरी नस्लों को दुआएं देंगे। और फिर यकीन कर लें, आपको एक बात बता दूं, ये बात फकीर की याद रखिएगा, जो लोगों की नस्लों की फिक्र करता है, अल्लाह उसकी नस्लों की गैब से फिक्र करता है इंशाल्लाह। ये तय कर लें कि हमने अकेले नहीं जीना, सखी बन के चलें, बखील बन के ना चलें, सखी बन के चलें। अरे सखी जो है, आपको बताऊं, एक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है ना, इनका लकब क्या था? खलीलुल्लाह, अल्लाह का ऐसा दोस्त कि अल्लाह और उसके दरमियान कोई थोड़ा सा खिला भी ना हो, इतना कुर्ब, इतने मिले हुए कि थोड़ा सा भी दरमियान में कोई वक्फा और खिला ना हो। ये मेहमान ढूंढने गए, मेहमान ढूंढने गए, मेहमान ना मिला, मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे। घर में आए ना, देखा कि एक मर्द खड़े हैं, और हैरान हुए, घर के दरवाजे बंद हैं, ये सब कहां से आ गए? लगे तुम कहां से आए, बड़े गैरत वाले थे। कहने लगे मैं अल्लाह के अमर से आया हूं। वो क्या? कहने लगे जिस अल्लाह ने तुझे बनाया उसने मुझे बनाया, समझ गए कोई मखलूक है, तो फरिश्ते हो? कहने हाँ। कैसे आए? कहने लगे ये मैं पैगाम लेके आया हूं कि अल्लाह पाक ने एक बंदे को लकब देना है खलीलुल्लाह का, कि वो अल्लाह का दोस्त है। खुशी से उछल पड़ी, मुझे उस बंदे का नाम बता दे जिसके लिए आप ये लकब लाए हैं ना, मुझे उसका नाम बता दो। वो दुनिया के जिस कोने में होगा मैं चल के जाऊंगा, उसको चूमूंगा, सारी जिंदगी उसकी गुलामी अख्तियार करूंगा। अल्लाह का खलील, इतना बड़ा लकब, इतना बड़ा लकब कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो मेरा खलील है। बताओ फिर किसके लिए ये है? तो फरिश्ता कहने लगा आपके लिए लाया, वाकई मेरे लिए, वाकई मेरे लिए। हैरान हो रहे, हाँ मैं आपके लिए लाया। तो फिर कहने लगे अच्छा ये बताओ मेरे किस अमल की वजह से अल्लाह ने मुझे ये इतना बड़ा मकान दिया है, किस अमल की वजह से? तो मैं आप लोगों को खिलाते हैं खाते नहीं, आप लोगों को देते हैं लेते नहीं। ये जो आपके अंदर लोगों को देने का जज्बा है ना, अल्लाह जल्ला शानहु ने इस अमल की वजह से आपको खलील का लकब दिया है। एक बात पे गौर करें, आपको मैं अब आपको मुतवज्जे करके आपके मन को भी मुतवज्जे कर रहा हूं, मेरी बात पे गौर करें, जरा सोचें थोड़ा सा। मन मुतवज्जे है क्यों? अल्लाह वालों मुतवज्जे है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना खिलाते थे, उसकी जिंदगी की, उसकी दुनिया की जरूरियात को पूरा करते थे, तो अल्लाह ने खलील का लकब दे दिया। जो शख्स किसी की दुनिया और आखिरत की जरूरियात का गम खाएगा और उसका फिक्र करेगा, आप जरा सोचो उसका अल्लाह के यहां क्या कर्ब होगा। सोचो, मैं नहीं कहता कि वो हजरत इब्राहिम से बढ़ जाएगा, मैंने कुर्ब की बात कही है। जिसके अंदर किसी की दुनिया और आखिरत का फिक्र होगा, या अल्लाह क्यामत के दिन की भूख से बच जाए, क्यामत के दिन की प्यास से बच जाए, इतना प्यास लगेगी बेनमाजी को, इतनी प्यास लगेगी मौत के वक्त। हदीस में आता है आका सरवरे कौनैन सल्लम ने फरमाया, मफहूम है कि बेनमाजी को मौत के वक्त इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी, सारी कायनात के समंदरों का पानी पी जाए उसकी प्यास नहीं बुझेगी। और जहन्नम में जहन्नमी को इतनी भूख लगेगी, इतनी भूख लगेगी, इतनी भूख लगेगी
ये सारी कायनात के खाने और फल और सारी कायनात के कांटेदार झाड़ियां भी खा जाए, उसकी भूख खत्म नहीं होगी। इतनी बड़ी प्यास से किसी को बचाए, इतनी बड़ी भूख से किसी को बचाए, उसका जरिया बन जाए अपनी थोड़ी सी कोशिशों और काबिशों से, और थोड़े से अपने इखलास और मोहब्बत से, और थोड़ी सी मेहनत और बार बार की याद दहानी से, तो मेरे दोस्तों मुझे बताओ तो सही, ये सौदा सस्ता है या महंगा है? अल्लाह के हाँ क्यामत के दिन इस शख्स का क्या एजाज होगा, इस शख्स के क्या क्या एहतराम होगा, और इस शख्स को कितना अल्लाह जल्ला शान हो क्यामत के दिन नवाजेंगे? आप सोचो तो सही, क्यामत का दिन होगा, एक बंदे के पास एक नेकी खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक नेकी। मैंने तो सोचा था कि आज चारों बातें बयान करनी है जो हजरत की आखिरी बातें थी, तो पहली बात खत्म नहीं हो रही। क्यामत का दिन होगा, एक बंदे के पास सिर्फ एक नेकी होगी। एक नेकी से बेचारे का क्या काम बनेगा? परेशान होगा कि बस मेरा तो फैसला ही हो ही चुका, मेरी एक नेकी से क्या होगा। और इधर एक बंदे का नामा अमाल तोला जाएगा तो उसकी एक नेकी कम होगी। वल्लभ पाक जल्ला शानहु फरमाएंगे कि एक नेकी पूरी करो, अब उस दिन एक नेकी तो कोई नहीं देगा। तो दुनिया की मोहब्बतें झूठी हैं, दुनिया की मोहब्बतें झूठी हैं। हो एक बादशाह था, एक अल्लाह वाले थे, उनके मुरीद बहुत हो गए। ये वाक्य पहला याद रखना, पूछूंगा कि मैं कहां से चला था, क्या क्या वाक्य छोड़ा मैंने। हाँ इन्हें की याद रखिएगा। उनके मुरीद बहुत ज्यादा थे, लाखों तक पहुंच गए। बादशाह ने कहा कि ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए, गिरफ्तार कर लिया। उसने कहा ये तो बगावत का मसला है, आपकी तो आपके आंखों को इशारों पर जान देते हैं। उसने कहा नहीं नहीं मेरे सिर्फ डेढ़ मुरीद है, ये बाकी सारे अकीदतमंद है। डेढ़ मुरीद क्या होता है? सिर्फ डेढ़ मुरीद है। उसने कहा वो आपके पास आके रोते हैं। उसने कहा अपनी गम पे रो रहे होते हैं, किसी को रोटी का, किसी को बेटी का, किसी को बीवी का, किसी को बेटे का, किसी को अपनी फसल का, किसी को सनत का, तिजारत का, अपने गम हो उस पर रो रहे होते हैं। तो उसने कहा वो डेढ़ मुरीद क्या होता है? उसने कहा आप ऐलान कर दें कि बादशाह ने ऐसा जुर्म किया है कि इसको कत्ल है, अगर इसकी तरफ से कोई अपनी जान पेश कर दे। नहीं, पीर साहब ने ऐसा जुर्म किया है कि इसकी सजा कत्ल है, अपने आप को कोई पेश कर दे उसको कर देंगे कत्ल, इनको छोड़ देंगे। कहने लगे मेरे मुरीदों में ऐलान कराओ जरा। फैसलाबाद के थे मुफ्ती जैनुल आबदीन साहब रहमतुल्लाह, वो कहने लगे कि मेरे पास एक बूढ़ी आती थी, बूढ़िया दादी हो जाती है ना, तो ये बच्चों से फिर बच्चों की तरबियत भी करती हैं, और बकौल एक शख्स के जिसने बच्चों को खराब करना हो नानी के घर भेज दे। और ये बात हकीकत है, ये कहानी नहीं है। जिसने बच्चों को खराब करना हो ना वो नानी को दे दे, या जिसने बच्चों को गुस्ताख बनाना हो वो किसी बाबे को दे के इसकी जरा तरबियत कर लो। और बाबे जो हैं बच्चों को सर पे चढ़ा देते हैं, माँ मारने लगती है बाबा छुड़वा देता है, बाबा की बगल में बच्चा खड़ा होता है और बाबा टॉफी भी दे रहा होता है। तो कहने लगे कि वो बुढ़िया कहने लगी कि मेरे बच्चे को जो है ना आप कहीं ना भेजे, मैं तो इसको एक पल भेजे एक पल देखे बगैर जीती नहीं हूं, मर जाऊंगी। अच्छा भाई ठीक है, इसको कोई अल्लाह अल्लाह ना सिखाए। कुछ दिन के बाद आई, घर वालों ने कहा कि वो खातून आई है दुआ कराने आई है। क्या दुआ कराने आई है? कहने लगे कहने आई है जो बच्चे को बस आपकी दुआओं से 3 साल का दुबई का वीजा मिला है, बस आप अपनी दुआओं से रुखसत करते हैं। तो मैंने कहा अम्मा तू बोली तू मर जाएगी। कह नहीं बा औके सौके गुजारा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप मुरीद को बुलाओ। तो मुरीद जो है आते आते एक बंदा तैयार हो गया उन लाखों में से। तो उसने कहा कि दूसरे को बुलाओ कि दूसरा भी चाहिए, जो लगता है बढ़ गया दफा एक और लग गया, एक नैप से छूटा दूसरे में आ गया। अब दूसरा कोई ना बना कर
कराते कराते एक माई तैयार हो गई, उसने कहा मैंने कहा तो था मेरा डेढ़ मुरीद का सारा। एक माई कहने लगी अगर पीर बजता है और मेरी जान जाती है तो ये जान हाजिर है। और उन्होंने कहा परेशान ना हो, ये डेढ़ मुरीद है मेरा, आप मुझे छोड़ दे मेरे हाथ। तो क्या बात कर रहा है। तो उस दिन तो एक नेकी कोई नहीं देगा, कोई काम ही नहीं आएगा। उम्मी ही वा अभी व साहिबत ही व बनी, कोई काम नहीं आएगा। अब ये बंदा एक नेकी की तलाश में फिरेगा, एक नेकी की तलाश में, एक नेकी की तलाश में फिरते फिरते एक बंदे को देखेगा परेशान बैठा है। उन्होंने कहा तू परेशान क्यों है? उन्होंने कहा तू क्यों? उन्होंने कहा मुझे तो एक नेकी चाहिए। उसने कहा मेरे पास तो एक ही नेकी है, चलो ऐसा कर तू एक नेकी ले ले, मेरा तो वैसे काम ना तेरा तो बन जाए। अब इसका काम बन गया, उस दिन जो खुशी होगी ना, हाओ मुकरो किताबी, हाय ये हाओ मुकरा को जो जज्बात हैं, फिर वो अर्ज कर रहा हूं ना, ये खुशी का नारा है जो कुरान ने बयान किया है। नारा है कि देखो देखो मेरा नामा अमाल दाएं हाथ में मिला है और मेरा नामा अमाल देखो, दिखाता फिरेगा। हदीस में आता दिखाता फिरेगा, और जो जिसके बाएं अमाल ना मिलेगा वो छुपाता फिरेगा। दिखाने वाला ना दिखाए सारा जहान देखेगा, छुपाने वाला छुपा ले लेकिन सारा जहान देखेगा। अल्लाह, तो ये खुशी खुशी अल्लाह की बारगाह में जाएगा, वो करीम सब कुछ जानते हुए फरमाएगा किससे लाया कैसे मिला। कि अल्लाह एक बंदे के पास तो एक ही था, उसको लाओ। अल्लाह पाक उससे बातें फरमाएंगे और फरमाएंगे तुम मुझसे बड़ा करीम बनता है, तूने मेरे बंदे के साथ करीमी की, मैंने तेरे साथ करीमी की, जो मैंने तुम दोनों को जन्नत में देखी। एक नेकी को बढ़ाने वाला, सुन लो, एक नेकी को बढ़ाने वाला उसको तो ये करीमी मिली, और जो किसी को एक सुभान अल्लाह पे लगा दे, एक दफा सुभान अल्लाह पड़ेगा जन्नत में एक दरख्त लगेगा इतना बड़ा दरख्त कि उसका साया खत्म ना हो, और अरबी नस्ल का एक बेहतरीन घोड़ा 100 साल तक उसके साये के नीचे दौड़ता रहे तब भी साया खत्म ना हो। एक दफा सुभान अल्लाह पढ़ेगा सारी कायनात आधी उसकी नेकियों से भर जाएगी, एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा भर जाएगी, एक दफा अल्लाहु अकबर पढ़ेगा सारी पूरी हो जाएगी, एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा 4000 उसको नेकियां मिल गई। एक नेकी का जरिया बना, उसका तो ये आलम है कि करीम उस पर इतनी करीमी फरमा रहा जो किसी की करोड़ों और लाखों और अरबों नेकियों का जरिया बन गया। मुझे बताएं तो सही उसकी बारगाह में उसको क्या एजाज मिलेगा? आप सोचे तो सही, आप अंदाजा तो करें अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह में उसके लिए क्या एजाज होगा। मेरा मेरे बंदे को मेरी तारीफ पे लगा दिया था तूने, अल्लाह की तारीफ है सुभान अल्लाह, अल्लाह की तारीफ है अलहमद, अल्लाह की तारीफ है अल्लाह अकबर। कहने लगे जा ऐसा कर, उन्हें कहा नाराज है, अच्छा ऐसा कर पाँव पड़ जाते ही, और जब तक माफ न करना पाँव से उठना नहीं, तुझे लाख ठोकरे मारे। जब उसने माफ कर लिया ना, कहने लगे तुझे किसने भेजा था माफी मांगने पे? कहने लगे फला ने कहा था नाराज है जाके पाँव पड़ जाना और माफी मांग लेना। अच्छा उसके लिए दिल में कोई कैफियत बताएं आप जरा, क्या होगा उसके लिए दिल में? उसकी मोहब्बत या उसका एहतराम या उसका एजाज होगा ना? जो कह दे अल्लाह के कदम में पढ़ के इस्तिगफार कर ले, तौबा कर ले, दो नफिल पढ़ ले, सजदे में पढ़ के रो, उस करीम को मना ले, जब वो मान जाए, तेरा मन मान जाएगा अल्लाह मान गया है, तब सजदे से सर उठाना, मेरा रब उस बंदे से कितना खुश होगा जिसने इसको सजदे पे डाल दिया। होगा खुश है? और याद रखो दुनिया के काम और आखिरत के काम बनने का नाम उसी की खुशी से काम बनेंगे, वरना तो नहीं बनेंगे। सारी दुनिया के काम बनवाना चाहते हैं और सारी दुनिया की मुश्किलें ढलवाना चाहते हैं और सारी दुनिया के गम ढलवाना चाहते हैं, तो फिर उसको खुश कर लें
और आज मैंने उस करीम को खुश करने का एक नुस्खा बताया है, एक फार्मूला बताया है, एक राज बताया है जो हर शख्स के लिए हर वक्त मुमकिन है। किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, मदारिस कॉलेज में स्टडी करने की जरूरत नहीं कि हजरत हसन बसरी किस कॉलेज में पढ़े हुए थे, हजरत जुनेद बगदादी, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के यहाँ लाखों जहन्नम से निकल के जन्नत में जाने वाले बने, वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। अरे दाता दी नगरी कहते हैं लाहौर में बैठे हैं, हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह किस यूनिवर्सिटी, कितनी कॉलेज और कौन सी तफसीर पढ़े हुए थे। बस एक तफसीर पढ़े थे, वो था गम, फिक्र, दर्द, सोच, एक अंदर कुढ़न कि या अल्लाह तेरे हबीब सरवर कौन है सलम के उम्मती हैं, या अल्लाह जहन्नम की आग से जल हट के और जन्नत में जाने वाले बन जाएं। ये गम जब अंदर आता है ना, फिर अंदर सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं, सारी मंजिलें आसान होती चली जाती हैं, फिर उकदतम मिल लिसानी जुबान की किरहें भी खुल जाती हैं, फिर अल्लाह पाक अपना नाम जुबान पे जारी कर देता है, फिर दिल पे जारी कर देता है, फिर जिस्म के रूए रूए से उसका नाम फूटता है, उसका नाम फूटता है। जब मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह को पत्थर मार रहे थे ना, तो खून निकल रहा था, हर खून के कतरे से अल्लाह लिखा जा रहा था। हाँ, उसके मन के अंदर अल्लाह जल्ला शानहु की मोहब्बत ऐसी रच बस रही थी। ऐसी इबादत बताई है मैंने आपको, बस में बैठे हैं, जहाज में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, सफर में हैं, घर में हैं, बाहर हैं, वुजू हैं, बेवुजू हैं, पाक हैं, नापाक हैं, पढ़ना आता है नहीं आता, बोलना आता है नहीं आता, कुरान पढ़े हुए नहीं पढ़े हुए, जो सुना है उसको सुना दो, ये क्या मुश्किल है क्यों अल्लाह वालों, कोई मुश्किल नहीं। एक बंदा कहने लगा, एक रिक्शे वाले नहीं, एक तांगे वाले का मैं मशकूर हूं, उस तांगे वाले ने मुझे अल्लाह से मांगना सिखा दिया कि मुल्तान में फलां चुंगी नंबर पे मैं फलां जगह तांगा में बैठा, तो तांगे वाले ने कोई अल्लाह वालों से जुड़ा हुआ था, वो जुड़ा हुआ था उसने मुझे जोड़ दिया। जुड़ा हुआ जोड़ेगा, कहने लगे मैं तांगे में बैठा, उसने ऐसे बात करना शुरू कर दी, सफर था तांगे का घंटा सवा घंटा आधे घंटे का जो भी था, बात भी चलती रही, तांगा भी चलता रहा, कहने लगे मंजिल भी आ गई, मेरी मंजिल भी आ गई, मेरी मंजिल तो मेरा घर था लेकिन मुझे असल मंजिल मिल गई, मैं मंजिल से बिछड़ा हुआ था, फिर तांगे वाले ने मुझे सारी मंजिलें मिला दी। ये तो रिक्शे वाला भी कर सके, ये तो तांगे वाला भी कर सके, ये तो अनपढ़ भी कर सके, ये तो पढ़ा लिखा भी कर सके, ये तो जो लफ्ज हैं वो बता दो और कह दो इलाही पर मेरा काम यहां तक था, तेरे बंदे को कोई मंजिल दिखा दी, कोई रास्ता दिखा दिया, ये अल्लाह दिल की दुनिया तो तेरे अख्तियार में है, मन के राजों और मन के साजों को तू ही जानता है, ये अल्लाह इसकी दिल की दुनिया बदल दे, तेरा एक बंदा तेरी दोस्ती में आ जाएगा, या अल्लाह तेरे खजाने में कौन सी कमी हो जाएगी, लेकिन एक बात हो जाएगी कि मैं कयामत के दिन तेरे हबीब के सामने सुरखरू हो जाऊंगा। तो सरवर कौन है सलम के सामने सुरखरू होना चाहते हैं क्यों अल्लाह वालों, हैं सुरखरू होना चाहते हैं नहीं होना चाहते है? राज के बाद अपने मन में एक गम बसा लो, अपने जीव में गम बसा लें कि मेरी जात की वजह से, मेरी वजह से सारे आलम के सारे इंसान और सारी दुनिया के सारे इंसान जहन्नम की आग से बच के जन्नत में जाने वाले बन जाएं। वो गैर मुस्लिम हैं, वो अमेरिका वाले हैं, वो यूरोप वाले हैं, वो अफ्रीका वाले हैं, वो हिंदुस्तान वाले हिंदू हैं, वो सिख हैं, वो पारसी हैं, वो आतिश परस्त हैं, वो कोई भी हैं, अच्छी बात है। ये हमारे साथ चर्च है ना, यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती हैं, इनकी जिंदगी को देखता हूँ, बड़ी लाजवाब जिंदगी है,
ठीक बाजू का अंदर एक होक उठती है, इनको आखिरत में भी इतनी बड़ी गाड़ियां मिलेंगी, आखिरत में भी इतना एजाज होगा, पर एक गम सा होता है, गम सा होता है कि अल्लाह तो इनको भी ईमान अमाल की जिंदगी दे दे, तेरे लिए कौन सी देर है, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, वही तो थे जो के 300 बुतों को रखने वाले थे, फिर वही थे जो काबे को पूजने वाले बन गए, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, या अल्लाह तू कर दे तेरे लिए कौन सी देर। ये गम हो हमारे अंदर, जहाज को ज्यादा देखें अल्लाह इसके अंदर कितने लोग बैठे होंगे, या अल्लाह तेरे हबीब के सारे गुलाम बन जाए। ट्रेन को ज्यादा देखें ट्रेन के बारे में ऐसे गम हो जाए, बस को जाता देखें सड़कों में जाता देखें, अरे बच्चियों का स्कूल है या अल्लाह ये जितनी बच्चियां पढ़ रही इन सबको इनकी नस्लों को कमली वाले का गुलाम बना दे। तो जहां हमारी नजर पड़े फकीर कहता है सारे मुझे रुपया रुपया देना मेरे कितने पैसे कटे हो जाए। एकदम मुझे बंद ने कहा, कहने लगे आप सोचें एक एक रुपया भी देना मेरे कितने पैसे कट्ठे हो जाए। जिसके अंदर गम होता है वो सबसे सवाली, सबके सामने सवाली बनता है। जिसके अंदर सरवरे कौन है सलम की मोहब्बत और गम होगा वो सबके लिए सवाली बन जाएगा, सबके लिए गम ज़दा हो जाएगा। तो ये गम बड़ा सस्ता, इसका अजर बहुत लाजवाब और इतना ज्यादा इसका एजाज मैंने आपको बताया है कि बस में ले जाने वाला, बस को होटल पे ले जाने वाले को तो बड़ा एजाज होता है, मुफ्त में रोटी मिलती है, सारा नेमतें मिलती हैं। इतनी सवारियां लाया है जो मेरे अल्लाह के पास अल्लाह के बंदों को कमली वाले के उम्मतियों को लेके जाएगा, और क्यामत दिन वो गवाह बनेंगे या अल्लाह ये जरिया बना था, कोई कहेगा या अल्लाह ये जरिया बना था, बहुत सारे लोग कहेंगे या अल्लाह ये एक जरिया बना था, उस शख्स की अल्लाह के यहाँ क्या कीमत होगी। है माँ बात है ना, तो अपनी कीमत गिराना चाहते हैं या लगवाना चाहते हैं। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे या अल्लाह तेरी मोहब्बत में, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया, हाय हाय तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। तो फैसला कर लिया, अब बैठ के हम जिक्र करेंगे, उसमें अल्लाह से ये अब मनवाना है या अल्लाह तो मेरे लिए भी और मेरी नस्लों के लिए भी और क्यामत तक की नस्लों के लिए या अल्लाह ये एजाज अता फरमा दे, और जरिए के तौर पे बरकत और आफियत के साथ मुझे और मेरी नस्लों को कबूल कर ले।